भाई यार क्या मस्त गाड़ी है इस बंदे के पास, कितना पैसा होगा। काश हमारे पास इतना पैसा होता, हम इस पूरी दुनिया पे राज करते और इस गैराज के नौकर नहीं, इस गैराज के मालिक होते हम। क्यों पैसा पैसा करता रहता है इंसान? अच्छा बन, पैसा अपने आप आएगा, टेंशन काहे को लेने का। लेने का पटेला जेब दिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। अरे बेटा तुम्हारे बाप का कहना चाहिए, काम करो जाके, दिहाड़ी कमानी है कि नहीं कमानी, अपना नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। अरे कैसा मालिक है रे हमारा, बिल्कुल खड़ूस, सारा दिन चिड़िया के माफिक चै 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 करता रहेगा, हमेशा पैसों के लिए मरेगा, खुद तो साला भर भर के कमा रहा है और हमें चिल्लर फेंक के खुश रखता है। तो भाई फिर शुरू हो गया भाई, मालिक है यार वो अपना, बेशक चिल्लर फेंकता है, पेट तो भरता है ना यार अपना। स्वा पेट भरता है। ये ले सारे दिन की मेहनत का चिल्लर, खुश रहा इसी में। भाई यार तू क्यों पैसा पैसा करता है यार, कर्म अच्छे कर यार, अपने आप पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर क्या हुआ इसे? इनके हार्ट के एक वॉल में ब्लॉकेज है, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा जल्द से जल्द, तो आप रिसेप्शन पे जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। डॉक्टर मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन इनके पास टाइम की थोड़ी कमी है। भाई क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ भाई, तुझे छोटी सी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर तू क्यों इतने टेंशन ले रहा है? टेंशन नहीं होगी साले, पैसे गए तेरे इलाज के लिए। साले फिर तू पैसों के पीछे रो रहा है यार, मालिक है ना, मालिक से मांग। वो मक्खी चूस कंजूस, वो करेगा हमारी मदद। तो भाई बचपन से भी तो उसके साथ है ना, उसने पेट भरा है ना हमारा, तो अब भी मदद करेगा। चल मैं देखता हूँ कुछ, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, आराम कर। तेरे से बात करनी थी कुछ। अरे मालिक बैठो ना। अरे बैठते क्यों नहीं बैठो, अरे सारा काम छोड़ दे, मालिक आया ठंडा लेकर आ, बढ़िया था। और कहाँ हो आजकल तुम, खुद का गैराज खोल लिया क्या तुमने है? खुद का गैराज, इतनी तुम्हारी औकात भी नहीं है कि खुद का गैराज खोल पाओ। खैर छोड़, तेरा दोस्त का है सेठ, उसी के बारे में बात करनी थी। उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उसकी हालत बहुत खराब है, मुझे पैसे चाहिए उसके लिए। पैसे चाहिए? बोल कितने पैसे चाहिए? सेठ 2 लाख चाहिए। 2 लाख दे दे मैं लौटा दूंगा। सही सुन रहा हूँ, 2 लाख? 2 लाख की औकात है तेरी? 2 लाख में कितने वीर होते हैं पता है? पता है सालों नाली के कीड़ो, कल का मरता आज मरे, मेरी तो सिर्फ दिहाड़ी बचेगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को भी काम करना है कर, तू भी चलता बन। बस सेठ बस, बहुत सुन ली तेरी, एहसान नहीं मांगने आया था, पैसे मांग रहा था, काम करके लौटा देता। तेरा ऐसा नीचा आदमी कभी किसी की मदद नहीं कर सकता, और ये अगर आज जिस पे तू इतना करता है, एक दिन तेरे नाक के नीचे दबा के ले जाऊंगा। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा।
डॉक्टर साहब परेशान क्यों इतना? बेचारा बहुत गरीब है, दोस्त का ऑपरेशन ना कराने की वजह से बहुत परेशान है और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा। एक काम करिए डॉक्टर साहब, इसके दोस्त को आप बचा लीजिए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए इसे, सारा बिल मैं पे करूँगा, आप मेरे बिल में ऐड कर दीजिए। आप टेंशन मत लो, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स को भी हमें। थैंक यू डॉक्टर साहब। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे बचाऊँगा इसे, हे भगवान कुछ मदद कर। आप प्लीज बाहर जाइए, हमें इनका ऑपरेशन करना है। लेकिन सर ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से हैं? पेमेंट सारी हो गई है, जो बाहर खड़े हैं उनसे आप बात करिए। साहब आप? जी। आपकी तो मैंने अभी गाड़ी ठीक करी थी ना? जी मैं भाई। तो गाड़ी ठीक करने के इतने पैसे कौन देता है? तुमने सिर्फ गाड़ी ठीक नहीं करी, तुमने दो जिंदगियां और बचाई थी। मैंने दो जिंदगियां बचाई थी? मैं कुछ समझा नहीं। उस टाइम गाड़ी के अंदर मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा भी था। अगर मैं टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाता तो कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुमने टाइम पे मेरी मदद करके मेरी गाड़ी ठीक करके मेरा एहसान किया है। अच्छा कितने पैसे हो गए गाड़ी ठीक करने के? भाई साहब मैं मदद के पैसे नहीं लेता। क्यों? मेरे दोस्त ने मुझे ये सिखाया कि अच्छा इंसान बनो। थैंक्स मेरे भाई। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर इतने पैसे मैं आपको कैसे चुकाऊंगा? कमाल करते हो यार, तुमने तो मुझे सिखाया था कि मदद के पैसे कौन लेता है, और मैं तुमसे इस मदद के पैसे कैसे ले सकता हूँ? और हाँ ये मेरा कार्ड, मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी में तुम्हारे जैसे बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे जल्दी से ज्वाइन करो। पर साहब मैं इतना पढ़ा लिखा था। मुझे पढ़े लिखे बंदों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। और जिस गैराज में मैं काम करता हूँ उसका क्या? अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उस गैराज में काम करना चाहते हो या मेरी कंपनी से पैसा कमा के अपना खुद का गैराज खोलना चाहते हो? अगर तुम पैदा गरीब हुए हो तो इसमें किस्मत की गलती है, लेकिन मरोगे भी गरीब तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी औकात भी नहीं है खुद का गैराज खोल पाओ।